आप सभी को जय मसीह की। मैं सुन प्रभु की आप सभी के बीच में आता है एक नए वीडियो के साथ। बहुत दिन में मेरे वीडियो आ रहे थे, इसलिए माफी मांगता हूँ। और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा सडनली आपके लिए बस बनाया है जल्दी से, तो कुछ बातों को बता दूँ। प्रभु में आप बहुत अच्छे होंगे, मेरी अच्छा धन्यवाद। अब ये जो समय है बहुत कठिन समय है, आप सभी जानते हैं। आप भी प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूँ, तो प्रभु में बने रहना काफ़ी नहीं। इस वक्त आपको प्रार्थना में, आराधना में, वचन में बढ़ना है, समझ आ रहा है। नामधारी विश्वासी बहुत हैं जिसको वचन का ज्ञान नहीं है, जो पास्टर बन बैठे हैं, समझ आ रहा है। बट आपके फल अच्छा होना चाहिए, आत्मा का नौ फल आपके जीवन में होना चाहिए, तभी आप सच्चे विश्वासी हैं। ये मत्ती निकालेंगे, मत्ती 11 अध्याय उसका 33 वचन से आगे लिखा है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। ठीक है, इंसान अच्छा है बट उसकी ज़िंदगी में फल पूरा है, हम ऐसा नहीं बोल सकते बहुत अच्छा आदमी यार फले का लेते ना, उसका फल बेकार है तो इंसान बेकार है। उसकी ज़िंदगी गाली है, उसकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा है, उसकी ज़िंदगी में चुगली है, उसकी ज़िंदगी मारपीट है, वो व्यक्ति गलत है, व्यक्ति बुरा व्यक्ति है। ठीक है, वो व्यक्ति बेकार है, वो व्यक्ति गलत है, क्योंकि उसका फल ही सही नहीं है, तो उस इंसान को हम कैसे सही कह सकते हैं। वो फल उसकी ज़िंदगी में सही से फल नहीं है, उसकी ज़िंदगी मार पीट लड़ाई झगड़ा दारू पिया कई तरह के पाप और बुराई हैं, वो व्यक्ति सही नहीं हो सकता। अगर इतनी सी गाली भी है ना उसकी ज़िंदगी में, मतलब वो व्यक्ति गलत है और स्वर्ग में वैसा व्यक्ति नहीं जाने वाला। पहला ग्रंथ 6:10 पढ़ेंगे, वहाँ गाली भी लिखा है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाने वाला। तो आपकी ज़िंदगी से पाप और बुराई को दूर रखिए और प्रभु में आगे बढ़िए और अपना अच्छा फल लाइए। फिर आगे वचन में लिखा है, हे सांप बचे तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है, जो दिल में रहता है जो मन में रहता है वही आता है। आप अगर आपके दिल में दूसरे के लिए अच्छी बातें होंगे, आप प्रभु में अच्छे होंगे, तो आपके मुँह से अच्छा शब्द आएगा, गाली नहीं आएगा। गाली देने वाले खासकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, खास गाली देने वाले अपनी जुबान को सही कर लीजिए, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपका फल सही नहीं है तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होगा, समझ आ रहा है। पहला ग्रंथ 6:10 निकालिए, पहला ग्रंथियो 6:10, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना भयंकर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस। गाली देने वाले भी वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो, अगर उसकी जिंदगी में गाली है तो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। खासकर गाली देने वाले से बोल रहा हूँ, आप अपने जुबान को ठीक करके रखिए। रफ एंड टफ विश्वासी मत बनिए, जैसा पाओ वैसा बोल दिए, ऐसा विश्वासी मत बनिए, सही विश्वासी बनिए। आप बहुत बाद में जाकर पछतावा होगा इस चीज़ का, प्रभु पसंद नहीं करता ऐसे को, समझ आ रहा है। याकूब में भी लिखा है, ये जीव क्या है, आग है, इसको हमको संभाल के रखना है, समझ आ रहा है। 6 इंच का जीव है पर 6 फीट के इंसान को गिराने की हिम्मत रखता है, तो इस जीव से आप आशीष दो, श्राप नहीं, गाली नहीं देना है, आशीष का वचन देना है, दूसरे के लिए अच्छा बात बोलना है, भला बात बोलना है। अच्छे विश्वासी बने, सही विश्वासी बने, ठीक है, तो आप सही फल लाइए, गाली देने से दूर रहिए, प्रभु में आगे बढ़िए। जिसके पास उसके मुंह से देखो तो आप गाली 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 निकलते रहते हैं, शर्म आना चाहिए कि इंसान को, रफ एंड टफ विश्वासी बन बैठे आज के लोग, और बोलते मैं विश्वासी हूँ, कहाँ की विश्वासी हूँ, बोलते मैं तो अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, कोई मतलब नहीं है आपका ऐसा कुछ करना, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपके सब चीज़। आप अन्य भाषा बोलते हो ठीक है, लेकिन आपकी मुँह से गाली निकलता है, आप नरक जाओगे। आप भविष्यवाणी करते हो लेकिन आपकी मुँह से गाली निकलता है, कोई मतलब नहीं है, आप नरक जाओगे। आप प्रचार पास्टर हो, अगर आपकी मुँह से गाली निकलता है, कोई मतलब नहीं है, आप नरक जाओगे, क्योंकि हाँ लिख दिया ना, गाली देने वाली भी स्वर्ग के वारिस नहीं होगा, पहला ग्रंथ 6:10। अब दुनिया का तमाम काम करते हैं, आपके मुँह से गाली निकलता है, आप नरक जाओगे, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। गाली देने से बचिए और पाप बुराई से दूर रहिए, तभी आप सच्चे विश्वासी हो। अपनी ज़िंदगी में अच्छा फल लाइए, कलाती 5:22 के अनुसार, और बुराई से दूर रहिए और प्रभु में बहुतायत से आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीष दे और ऐसे वीडियो आते रहेगा छोटे छोटे वचन में, तब तक आप प्रभु में प्रार्थना में आगे बढ़िए।